हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंपनी में गाड़ी लगाने की। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आसिफ भाई स्टेप बाई स्टेप जो भी स्टार्टिंग होती है कंपनी में फिक्स अटैचमेंट से लेकर के कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी चीज़ें हमें झेलना पड़ती हैं। जो भी झेलने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में तो आज तक आपने कुछ बताया नहीं। और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, किस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं और इसका जो अटैचमेंट प्रोसेस है वो कैसे होता है, पेमेंट कैसे आती है, वो सारी चीज़ें आपने बहुत ही कम इंक्रीज किया है। अब तो आज के वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है और गाड़ी लगाना चाह रहे हैं आप कोई भी कंपनी में, तो गाड़ी कहाँ से लगेगी, कितना मंथली का पेमेंट आपको मिल सकता है और के जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, उसकी जो किलोमीटर की रेंज होती है वो कितनी होती है और आपको क्या क्या इसके साथ झेलना पड़ सकता है, तो सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको देने वाला हूँ। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दूँगा इसके लिए। तो यहाँ पर है ना, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी गाड़ी है आपके पास लगाना चाह रहे हैं कंपनी में, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास गाड़ी है तो जो छोटी गाड़ियाँ होती है, मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, वैगनार अल्टो वगैरह जितनी भी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है वो कोई भी कंपनी अटैचमेंट नहीं लेगी, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लीजिए, आपके पास कोई भी गाड़ी है, एटिका गाड़ी है या फिर डिज़ायर गाड़ी है या फिर आपके पास कोई भी दूसरी होंडेगी ओरा वगैरह जो भी है, कोई भी सेडान और एसयूवी, मैं दो नाम ले रहा हूँ, इनके अंदर आपके पास कौन सी है वो आप डिसाइड करिए। आपके पास सेडान गाड़ी है तो आपके पास सबसे पहले कौन लगाएगा, सबसे पहला काम आपको कहाँ करना है, आपकी सिटी के अंदर आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आसपास में बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स के ऑफिस होते हैं जहाँ भी आप रह रहे हैं, हर सिटियों के अंदर बहुत भी जो भी बढ़िया बड़ी सिटी होंगी, अगर आप कंपनी में अटैचमेंट करेंगे तो वो आप नॉर्मल सिटी में नहीं रह रहे होंगे, अच्छी खासी सिटी होगी, कोई भी सिटी हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स जो कि ऑफिस लेके बैठते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स की बुकिंग लेते हैं, टेंडर लेते हैं, वेंडर लेते हैं, जो वो वेंडर ही होते हैं ऑलरेडी, तो उनके पास लाइसेंस होता है उस बिज़नेस को करने का, ठीक है। हर बंदे के पास लाइसेंस नहीं होता है जो ये बिज़नेस करते हैं, उनके पास एक गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस होता है उस बिज़नेस को करने का, तो जिसके पास लाइसेंस होगा वही वो काम करता है। कोई भी एरा गेरा आया और वो ऑफिस डाल के बैठ गया तो ऐसा नहीं होता है, कुछ जो लीगल होते हैं ना, एजेंसी लिखा होगा, बाहर बोर्ड लगा होगा टूर एंड ट्रैवल्स इसके नाम से, कोई भी नाम उन्होंने रखा होगा, अपना एजेंसी का नाम रखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड भी बहुत सारे बोर्ड लगे होंगे आपने देखे होंगे बाहर, आपको बस मिलेगी, कार मिलेगी, रेंट पे मिलेगी, रेंज पे मिलेगी, हर एक टाइप के वहाँ पर इस टाइप के आपने बोर्ड देखे होंगे, तो उसी जगह पे आपको जाना है और उन्हीं टाइप से बड़े बड़े जो एजेंसीज होते हैं, आपके पास एक अच्छी स्टैंडर्ड गाड़ी है तो आपको एक रिक्वायरमेंट उनके पास रखनी है, अपनी इंक्वायरी करनी है कि हमारे पास एक गाड़ी है, कोई फिक्स अटैचमेंट में आपको रिक्वायरमेंट हो, इस टाइप की गाड़ी है मेरे पास और फिक्स अटैचमेंट में कोई कंपनी या कोई ऑफिस या कॉल सेंटर या एनीवे कोई भी जगह हमारी गाड़ी की रिक्वायरमेंट आपको हो, तो ये मेरे पास गाड़ी है इस नाम की, मतलब डिज़ायर है, हो रहा है, कुछ भी बता सकते हो, आपके पास जो गाड़ी है वो उसका नाम देने के बाद उनको बता सकते हो कि हमारे पास इस टाइप की ये गाड़ी है और मुझे पर मंथली फिक्स में कहीं लगानी है, क्या आपके पास कोई जगह खाली है, ठीक है। अगर उनके पास रिक्वायरमेंट में गाड़ियों की ज़रूरत होगी तो आपको बोल देंगे यस, या फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका नंबर ले लेंगे तब आपको, ठीक है। एक नहीं, दो, चार, छः, आठ, दस, पच्चीस, पचास जो भी आपके यहाँ सिटियों में ऑफिस होती है, अगर आप तुरंत लगाना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा वो वेट कर रहे हैं तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी तो वहाँ पर वो आपको कॉल करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी कि हमारी गाड़ी कहाँ से लगेगी, ठीक है, ये फाइनली क्लियर कर लीजिए। दूसरी हम बात कर लीजिए इसके पेमेंट की। चलो माना आपकी गाड़ी कहीं भी लग गई, कोई भी जगह, कोई भी पैकेज के अंदर आपने गाड़ी लगा दी, पैकेज मतलब मैक्सिमम होते हैं, मेरी सिटी से अगर एग्जांपल पकड़ते हैं तो 30 से 80 हज़ार रुपये तक लिमिट होगी आपकी किलोमीटर की, जो पैकेज होता है ना वो 30, अगर 30 हज़ार रुपये, इसमें भी काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट रहेंगे कि आसिफ भाई 30 हज़ार में फ्यूल वगैरह वो 30 हज़ार से 80 हज़ार जो आपको मिलने वाला है ना गाड़ी के हिसाब से, 80 हज़ार पकड़ लीजिए, 30 हज़ार छोड़ दीजिए, ठीक है। 80 हज़ार माना आईडी का गाड़ी है और आपको कोई वेंडर ने आपको 80 हज़ार रुपये का पैकेज दे दिया, तो उसके अंदर आपका जो फ्यूल है ना, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल जो भी आप भरते हैं ना, वो सारा कुछ आपके 80 हज़ार में आ गया,
एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई राइडर कस्टमर जो भी जा रहे हैं आपके गाड़ी के अंदर, तो टोल टैक्स है, अगर अदर स्टेट जा रहे हैं तो टी परमिट जो परमिट टैक्स लगता है ना, वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा। लेकिन वहाँ उस ड्यूटी की स्लिप आपको रखनी होगी, इसके लिए स्लिप ड्यूटी होगी तो ही वो आपको पैसे मिलेंगे। कुछ वेंडर आपको पहले से दे देते हैं कि इतना इतना आने वाला है, आप कर लेना मैनेज, बाद में हम बिल में ऐड कर देंगे। कुछ वेंडर ऐसे होते हैं अपने पास से लगा लेना, बाद में हम बिल आप रखोगे तो साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं डायरेक्टली, तो ये चीज़ आप यहाँ पे फाइनल कर लें। आप बात कर लेते हैं पेमेंट की, सॉरी किलोमीटर की, आपको कितने किलोमीटर मिलेंगे। तो डिज़ायर गाड़ी से 2000 से लेकर के 3000 किलोमीटर की रेंज होती है, एटिका गाड़ी से 3000 से 3500 तक की लिमिट होती है, 2000 भी होती है, 2000 से 3500। और एटिका एसयूवी जोनो सेडन वगैरह जो भी है ना, उनके अंदर भी 2000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की लिमिट होती है, उतने किलोमीटर चलानी है, ठीक है। चलेगी नहीं चलेगी तो भी आपको पेमेंट मिलेगा। कुछ वेंडर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपकी अगर 3000 किलोमीटर है, एक महीने में नहीं चल पाई, तो नेक्स्ट महीने में 6 महीने के अंदर जो भी किलोमीटर बचते हैं ना, उनकी काउंटिंग होगी, प्लस माइनस होते हैं, तो वो भी चीज़ होती है, तो वो भी फाइनल कर लेनी है आपको। अब जो पेमेंट की सर्कल होती है ना, वो आपको बता दूँगा। जो पेमेंट होती है मतलब आप गाड़ी आपने, ये नवंबर महीना लग रहा है और नवंबर महीने में आपने 10 तारीख को गाड़ी लगाई, या फिर आपने दिसंबर की पहली तारीख से आपने गाड़ी लगाई किसी भी कंपनी में, तो पहली तारीख से गाड़ी लगाने के बाद आपने स्टार्ट किया काम, तो 1 तारीख से 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आपका 1 महीना हो गया, आपने कंटिन्यू काम किया, कंटिन्यू काम करते रहे, फिर नेक्स्ट मंथली में भी आपने काम चालू रखा, तो जो आपने जो दिसंबर में काम किया ना, उसका जो वेंडर है ना, आपका जो बिल है, आपने जो काम किया उसका बिल रखेगा 1 तारीख को, पहली तारीख को बिल जमा करेगा, और जमा करने के बाद आपका जो भी पेमेंट वहाँ पे फाइनल होता है ना, वहाँ पे चेक जो भी होगा, चेकिंग वगैरह तो भी कंपनी में, ऑफिस में जो गाड़ी लगी है, तो वहाँ से जो पेमेंट वेंडर के अकाउंट में आएगी 5 तारीख से 10 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक वहाँ पे कंपनी में आपका जो भी फाइल होगी, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह वो सब होते हैं, वहाँ से पेमेंट रिलीज होती है 5 दिन के अंदर, 5 दिन हो 7 दिन हो, तो 5 तारीख से 10 तारीख तक पेमेंट आ पाती है, 10 तारीख 12 तारीख, बीच में शनिवार संडे पड़ गए तो 12 तारीख 13 तारीख, तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। वहाँ से जो पेमेंट आएगी वेंडर के पास 10 तारीख 12 तारीख, ठीक है। वेंडर के पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे ड्राइवर भी होते हैं, तो सबका एक एक करके ट्रांसफ़र पैसा होता है, वो 15 तारीख तक आपके अकाउंट में आता है। उसके अंदर शनिवार संडे या फिर कोई त्यौहार की छुट्टी पड़ गई कोई सीज़न, तो उस टाइप से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो आप एग्जांपल पकड़ लीजिए, 45 डे का सर्कल बन जाएगा। फिर जब भी आपकी 15 तारीख आएगी महीने की, तब तक आपका हर महीने के अंदर 15 तारीख की आपके पास पेमेंट आ जाएगी। आज 1 महीना काम किया, नेक्स्ट महीने में आपकी 15 तारीख की पेमेंट आ जाएगी, उसके अलग का, उस हिसाब से आपकी साइकिलिंग बन जाएगी, रिसाइकिलिंग जो भी होती है, एक सर्कल बन जाएगा आपका हर पेमेंट का आने का। पहले ही पेमेंट में आपको सारा कुछ करना होगा, उसमें आपकी गाड़ी का EMI वगैरह पहले ही पेमेंट में, क्योंकि उसके अंदर आपको 45 डे लगते हैं, उसके बाद हर महीने आपकी पेमेंट आती रहेगी। तो जो पहली वाली पेमेंट होती है ना, उसके अंदर सारा कुछ आपको मैनेज करना होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब ये जो भी चीज़ है ना, आपकी पैसे आने वाली, किलोमीटर आने वाले, ये सारी चीज़ें आपको जब अपनी गाड़ी को अटैचमेंट करने जाएंगे, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, वेरिफिकेशन ID डॉक्यूमेंट जो भी होगा वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लगेंगी। और जो भी लाइसेंस वगैरह, जो भी गाड़ी का परमिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें वैलिड चाहिए, अनवैलिड कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। टैक्सी चाहिए, नॉर्मल टैक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर बात कर लीजिए, जो भी मतलब झंझट होती हैं, वो झंझट वाली बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली चीज़ें कौन सी होती हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आपको जान लेना है कि झंझटें क्या हो सकती हैं। पहली झंझट ये होगी कि आपको एक जॉब जैसी एक ड्यूटी हो जाती है, मतलब सुबह 9 बजे निकलना है तो 10 घंटे की ड्यूटी हो सकती है आपकी, 12 घंटे की ड्यूटी हो सकती है आपकी, 8 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, ठीक है, इतने आपको करनी है। फिर जिस कंपनी में लगी है, ऑफिस में लगी है, वो बंदा आपको कहाँ लेके जा रहा है, वहाँ पर आपको पूछना नहीं है, उनके चलते ही रहना है भाई।
या फिर सुबह गई ऑफिस पे जाके खड़ी हो गई, शाम को वहाँ से रिटर्न आ गई घर आ गई, ऐसी भी होती है, कुछ ट्रैवलिंग भी होती है, कुछ सब जगह अलग अलग होती है। तो आपको ये नहीं पूछना है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे यहाँ पर। तो जो किलोमीटर की रेंज में आपका सारा कुछ आ गया है, तो आपको कोई भी एम्प्लॉयज कंपनी का आपको कहीं भी लेके जा रहा है तो वहाँ पर आपको जाना है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ मना नहीं कर सकते कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पर ट्रैफिक होता है, वहाँ पर पार्किंग नहीं होता है, ये चीज़ है, वो है, मेरी गाड़ी चल नहीं पाती है, हिल स्टेशन है वगैरह कुछ भी। तो ये चीज़ आप वहाँ पर ये चीज़ मतलब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, आप मना नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक चीज़ आपकी घंटे की ड्यूटी की मैंने आपको को बता दिया। तीसरी एक ये पॉइंट मान लीजिए, आपकी जो ड्यूटी है ना एक जॉब जैसा, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कंटिन्यू आपको काम करना होगा मंडे टू सैटरडे, संडे की छुट्टी हो सकती है, किसी किसी की शनिवार संडे दो दिन की छुट्टी होती है, किसी में संडे की छुट्टी होती है, समझे। त्यौहार है कोई अर्जेंटली कुछ, गवर्नमेंट जब ऑफिस ही बंद है, कंपनी बंद है, तो भी आपकी छुट्टी हो सकती है, कंपनी चालू है ऑफिस चालू है तब आपकी छुट्टी नहीं होगी। यहाँ पर एक भी छुट्टी मतलब सुबह 9 बजे निकलना है तो 10 बजे निकलना है, सुबह 8 बजे की टाइमिंग है आपकी या सुबह 6 बजे की टाइमिंग है, तो वो सारी चीज़ें आपको जब गाड़ी आप लगाओगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सारी कुछ मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि 6 बजे का पिकअप है तो आपको सुबह 6 बजे जाना है, बारिश है, तूफान है, ठंडी है, पानी बरस रहा है, गर्मी है, तो सारी चीज़ें आपको 6 बजे कम्प्लीटली करनी पड़ेगी। इस टाइप का पूरा टोटल आपको एक प्लान बनाना होगा अपने काम करने का, क्योंकि आपको डेली नौकरी करनी है, आपको अपनी गाड़ी पे ड्राइव करना है, खुद ड्राइवर हैं, ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं आप, ऐसा समझ लो कि आपने फिक्स में फिक्स का काम ही यही होता है कि आपको जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट दी गई है उसको कंप्लीट पूरा करना है, यही है झेलना। अब यहाँ पर एक चीज़ और झेलने वाली समझ लीजिए, आपके घर में कोई बीमार हो गया या फिर आपको कहीं शादी में जाना है या फिर आपको अपने गांव कहीं जाना है, बहुत सारे भाई बहुत मतलब बाहर से काम करते हैं और कंपनी में लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपकी गाड़ी पे आपको ड्राइवर रखना होगा। अगर आप ड्राइवर नहीं रखते हैं, अगर आपका वेंडर मान जाता है कि हाँ मैं कोई दूसरी गाड़ी अरेंज कर दूंगा जब तक तुम गाँव घूम के आओ, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो वेंडर आपको बोलता है आप अपनी गाड़ी पर कोई ड्राइवर रखो, अगर नहीं रखते हैं तो मैं आगे का आपका कैंसिल कर देता हूँ, आपका जो भी एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर देता हूँ, तो आपका एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है। तो ये झेलने वाली चीज़ें हैं, आप इनको झेल सकते हो और इनको समझ सकते हो। पेमेंट की इनकी कोई भी ब्रांच होती है, कंपनी होती है, ऑफिस होते हैं, किसी भी आईटी सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, बैंक्स होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट सरकारी विभाग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल जो कंपनियाँ होती हैं, कॉरपोरेशन की इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं, नेशनल कंपनियां होती हैं, ऑफिस के लिए एम्प्लॉय जो भी है, सब चीज़ों की इनके पास जो भी कंपनियां होती हैं वो एक टेंडर निकालती हैं, और जो टेंडर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो वो सारे कुछ टेंडर ये लोग भरते हैं, और इनके पास एक रिक्वायरमेंट आती है गाड़ी की, जो कि मैं काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। पेमेंट की थी वो मैंने आपको बता दी, किलोमीटर जो लिमिट थी वो मैंने आपको बता दी, और जो आपका पेमेंट आने वाला होता है रिसाइकलिंग को वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो झेलने वाली चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, फिक्स कंपनी में अटैचमेंट करने का मतलब आप को डेली जाकर के काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, जैसे ओला उबर में रोज़ लोग निकलते हैं, काम नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, और आज की तारीख में देखें तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब लोगों का काम नहीं हो रहा है, बुकिंग ही नहीं है, मतलब एक ही बुकिंग एक सुबह आती है एक शाम को आ रही है, चार चार छः छः घंटे तक कोई बुकिंग ही नहीं है सिटियों के अंदर, ओला में उबर में जो भी कैब एक्टर कंपनियाँ हैं उनके पास कोई बुकिंग ही नहीं है। तो फिक्स अटैचमेंट में ये ज़रूर है कि मार्केट में कोई भी बिजनेस कितना भी ड्रॉप हो ना, लेकिन आपकी अगर फिक्स अटैचमेंट में गाड़ी लगी हुई है तो आपको पर मंथली के हिसाब से आपका जो पैकेज है वो आपको अकाउंट में आता रहेगा कंटिन्यू, जब तक आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो या फिर 4 साल का एग्रीमेंट हो। एक बार आपने गाड़ी को अटैचमेंट कर दिया जिस वेंडर के पास, आप लाइफ टाइम उसके पास गाड़ी चला सकते हो, उनके पास टेंडर कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक टेंडर पूरा हुआ, दूसरे टेंडर में लगा दी, दूसरा पूरा हुआ, तीसरे टेंडर में लगा दी, तो आप कंटिन्यू उनके पास काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लास्ट में एक चीज़ और ले लूँ, जैसे कि बहुत आपको मालूम पड़ेगा कि बाद में आसिफ भाई ने बताया नहीं,
कोई भी वेंडर हो, जैसे हमारा आकर अगर 2500 किलोमीटर की लिमिट है और सामने जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी गाड़ी चलती है 1500 किलोमीटर, 1700, 1800 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में क्या है ना, आपका जो वेंडर होगा ना वो आपको फ़ायदा उठाएगा थोड़ा सा। कैसा मतलब जो डेली लोकल जो बुकिंग आती है ना उनके पास प्राइवेट स्टेशन में नॉर्मल, तो जैसे कोई टूरिस्ट विजिट वाली कोई बुकिंग होगी लॉन्ग रूट की, तो वो क्या है ना एक दिन अपनी गाड़ी को अरेंज करके कंपनी में भेज देगा और आपकी गाड़ी को जो किलोमीटर आपके बच जाते हैं ना हर महीने उसको कंप्लीट पूरा करने के लिए ना आपको एक लॉन्ग ट्रिप दे देगा वो किलोमीटर में, तो वो भी होता है। और आपको नहीं मालूम पड़े तो लास्ट में बता रहा हूँ इसके लिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल पकड़ूँ, आपने 2500 किलोमीटर की लिमिट है या 3000 किलोमीटर की लिमिट है और आपके 2000 किलोमीटर कम्प्लीटली होते हैं हर महीने, 1000 किलोमीटर बच जाते हैं और 1000 किलोमीटर के वेंडर को आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में वो क्या करेगा कि उसके पास जो प्राइवेट नॉर्मल जो बुकिंग आती है ना, अब टूर एंड ट्रैवल्स ऑफिस लेके बैठा है तो वहाँ पर प्राइवेट बुकिंग भी आती हैं, टूरिस्ट वाली भी बुकिंग आती हैं, तो एक दिन की आ रही है, दो दिन की होल्ड वाली आ रही है, तो आपको भेज देगा वहाँ पर लॉन्ग रूट की। मतलब कहीं भी 400 किलोमीटर की कोई बुकिंग आ रही है, 300 किलोमीटर की कोई राउंड ट्रिप है जाके आना है, तो उस कंडीशन में भी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप मना नहीं कर पाएंगे। तो ये झेलने वाली चीज़ है। आप आई होप आप सब कुछ समझ गए होगे, कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वर्क, जय हिंद।